आज तारीख है, 31, 30 आज तारीख है 30 मार्च, और जैसे कि हमने लास्ट लॉकडाउन उठने पर बोला था कि फिर से एक लॉकडाउन लगेगा और वो फुल फोर्स में लगाया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन सब ले ले, डर के मारे वैक्सीन लिया जाए सबको। और ये क्यों है, अभी तो सिर्फ 8 बजे से लेके सुबह 7 बजे का कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू रखा है, जिसका लॉजिक मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा। 8 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक दुकानें बंद रहनी चाहिए। अब दुकानों का क्या लेना देना है वायरस से, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि जैसे कि हमें दिख रहा है कि मोदी जी पूरे इंडिया में रैलीज निकाल रहे हैं। यहाँ एक महीने पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसमें मैं भी गया था, हजारों की संख्या में लोग थे, लाखों लाखों की संख्या में लोग थे, और हमें कुछ नहीं हुआ। तो ये वैक्सीन का जो एक्सपायरी डेट है वो है 1 मंथ का, और ये लॉकडाउन का प्रिपेयर महाराष्ट्र में इसलिए हो रहा है क्योंकि वैक्सीन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और लोग ज्यादा ले नहीं रहे वैक्सीन, इसलिए डर और लॉकडाउन ये दोनों काम करेंगे सबको वैक्सीन देने में। ये कोविड केसेस बढ़ कैसे रहे? जब से इन लोगों ने टेस्टिंग शुरू की है तब से कोविड केसेस ऐसे रेज हो रहे हैं कि बताओ मत। क्यों? 2 महीने पहले किसान लोग लाखों की संख्या में बाहर रास्ते पर घूम रहे थे विदाउट मास्क, विदाउट प्रिकॉशन, तब कोई केस नहीं था। पर अब जब नॉर्मल सब हो गया है तब इन लोगों ने टेस्टिंग शुरू की है। ये की है, डबल की है, ये क्यों की है? 14 मार्च से आप जाके देखोगे आर्टिकल है कि महाराष्ट्र में के जो टेस्टिंग का पेस है वो ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, और 85% केसेस असिम्टोमेटिक है, मतलब 85% लोग जो पॉजिटिव आ रहे उन्हें कोई भी सिम्टम्स नहीं है। ये क्यों कर रहे हो लोग? क्योंकि इन लोगों को वैक्सीन बेचनी है, वैक्सीन कोई ले नहीं रहा। इन लोगों ने केसेस बढ़ा के डर पैदा कर रहे हैं, और अभी ये लोग नाइट कर्फ्यू क्यों लगा रहे? क्योंकि उन लोगों को आगे जाके लॉकडाउन लगाने हैं। वो लोग देख रहे हैं कि लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं और लोग फॉलो कर रहे हैं अंधे होके। और फर्स्ट लॉकडाउन लगाया था वो काम नहीं किया। और एक बात बताओ आपको, नाइट कर्फ्यू ये चीज सिर्फ इंडिया में ही लगती है, और कोई भी कंट्री में नाइट कर्फ्यू नहीं लगता, क्योंकि नाइट कर्फ्यू वर्क नहीं करता, ना ही लॉकडाउन वर्क करता है। तो ये लॉकडाउन का लेना देना है क्या वायरस से? एक्चुअली ये लॉकडाउन का वायरस से कोई भी लेना देना नहीं है, लॉकडाउन का लेना देना है वैक्सीन से और लोगों की आर्थिक परिस्थिति को गिराने से। वो गिर रही है, जो गिर रही है, गिरते हुए देख रहे हो, और आप लोग वहां बैठ के घर में बैठ के ये सब लाइटली ले रहे हो, जबकि ये सब लाइटली नहीं लेना चाहिए। फ्यूचर में जो चीज आने वाला है उस चीज को हमें फाइट करने के लिए हमारा इकोनॉमिक पावर रहना चाहिए, जो गिराए जाए। यही वो लोग चाहते हैं। अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से 60% लोगों को मालूम रहेगा कि ये कुछ तो गलत चल रहा है। क्या तुम हिजड़े हो? नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, क्या तुम हिजड़े हो जो सब देख रहे हो कि ये गलत चल रहा है तो भी नहीं रहने दो? अभी क्या है, चलने दो क्या? ये ऐसा करोगे ना तो वो तुम्हें भी प्रॉब्लम में डालेगा और तुम्हारी फैमिली को भी प्रॉब्लम में डालेगा। एक जन अगर बाहर आके लॉकडाउन के खिलाफ जाएगा तो उसे पुलिस पकड़ के लेकर जाएगी। जैसे कि हम दोनों अगर रास्ते पर उतर गए तो हमें मारेगी, पर हम लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। हम लोगों को ठोक डालेगी ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर उसी जगह पर हमारे साथ 2000 लोग एक साथ रास्ते पे उतर गए तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि बीड़ में हुआ, जब लोग बहुत जन बाहर पड़ गए और जो उन लोगों ने किया वो बहुत ही अमेजिंग था, वो उन लोगों को हैट्स ऑफ करता हूँ। भीड़ में लॉकडाउन अनाउंस किया तब पुलिस लोग गए दुकानें बंद कराने के लिए, और वहाँ के लोगों ने पुलिस लोगों को मार के भगा दिया, जो कि मुझे बुरा लगा। हाँ। क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, पर ये भी बुरा लग रहा है कि वो जो ड्यूटी कर रहे हैं वो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। और कोई भी आर्टिकल 21 बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि अंडर एनी इमरजेंसी द गवर्नमेंट कैन नॉट अटैक पीपल्स पर्सनल लिबर्टी, पीपल लोगों के फ्रीडम के साथ गवर्नमेंट नहीं खेल सकती। और ऐसा कौन सा बिजनेस है जो एसेंशियल नहीं है? तुम बोलो मेडिकल एसेंशियल है, डेयरीज एसेंशियल है, और बाकी सब लोग को 8 से 7 बजे तक ही एसेंशियल रहता है। अभी आप बताओ अगर लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? लोग वायरस से मरने से पहले भुखमरी से मर जाएंगे, उसका कोई आप जवाब नहीं दे रहे हो। और जो 8 के बाद कर्फ्यू लगाया है, ये क्या कोविड क्या मतलब 8 के बाहर बाहर निकलेगा और सबको अटैक करेगा, बाकी का टाइम कुछ नहीं करेगा? अब आता है कोविड टेस्टिंग पर, जिसे कहते हैं पीसीआर टेस्टिंग। ये पीसीआर टेस्ट किट की इन्वेंट किया था डॉक्टर कैरी मुलिस ने,
जो कि 2019 एंड में ही उनकी मौत हो गई। अब ये मौत बहुत सस्पिशियस लग रही है क्योंकि उसके बाद में पेंडेमिक शुरू हुआ था और कैरी मुलिस ने ये बोला था कि मेरे जो टेस्ट किट बनाए हुए हैं वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए नहीं है, वो वायरस ढूंढने के लिए नहीं है, इसे बिल्कुल भी यूज करना नहीं चाहिए। अगर आप 10 जन को रैंडमली टेस्ट करोगे ना तो उसमें से 2 या 3 जन ऑफकोर्स पॉजिटिव आएंगे, ये मेरा चैलेंज है। और इसी टेस्टिंग पर यही टेस्ट लेके बीएमसी घूम रहे है रोड पे रैंडमली किसी को भी उठाकर टेस्ट करने के लिए। तो ये इस टेस्टिंग के आधार पर हम लॉकडाउन कैसे लगा रहे हैं? तो ऐसे ही वो लोग केसेस बढ़ा रहे हैं और डर बना रख रहे हैं और ये बहुत गलत चीज है। और जो तुम लोग बोलते हैं ना, देख के भी बहुत ऐसे सहन कर रहे हो कि ये हो रहा है तो चलने दो, होने दो, ये गलत चीज है। काफी 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 टाइम भी नहीं हुआ जो ब्रिटिश हम पर राज करते थे, वो काफी टाइम पहले भी नहीं हुआ था और अभी ये सेम चीज रिपीट हो रही है मेडिकल टिरनी के द्वारा। मेडिकली हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो फालतू टेस्ट किट जो है जो तंजानिया के प्रेसिडेंट ने गोट और पपाया सैंपल्स पे टेस्ट किया था वो भी पॉजिटिव आया, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस है, कोका कोला पे टेस्ट किया गया वो पॉजिटिव आया, कीवी पे टेस्ट किया गया वो पॉजिटिव आया, अभी आज मुझे एक मैसेज आया जिसमें आचार पिकल को टेस्ट किया वो भी पॉजिटिव आया था। वर्ल्ड वाइड में जब पूरे वर्ल्ड पर लॉकडाउन आया था तब तंजानिया के प्रेसिडेंट ने पहले से वो बोल रहा था कि ये सब बहुत ही चीप है, ये लोग गलत कर रहे हैं, और अभी सडनली उसकी मौत हो गई। 10 दिन से तंजानिया के प्रेसिडेंट गायब थे, वो ना लॉकडाउन, वो लॉकडाउन के खिलाफ थे और वैक्सीन जो आ रही थी उसके भी खिलाफ थे। 10 दिन से वो गायब थे, 10 दिन बाद न्यूज आती है कि वो मर गए, अचानक से मर गए, और डेथ का रीजन पता नहीं हार्ट अटैक आया है, कोई बोलता है कि कोविड की वजह से हार्ट अटैक आया है, कोई बोलता है उनको पहले से ही मेडिकली वो फिट नहीं थे। तो आप समझ जाओ क्या हो रहा है। और अभी उनके जगह पे एक लेडीज आई है जो आपकी प्रेसिडेंट बन गई है, अभी वो वहाँ पे लॉकडाउन वैक्सीन ये सब शुरू होने वाला है, तो आपकी आंखों के सामने ये सब चल रहा है और आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। और ये आपके साथ भी हो सकता है अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो। टेस्टिंग का हो गया, बात है वैक्सीन पर। एक वैक्सीन बनने के लिए कम से कम 5 से 12 साल लगते हैं, एनिमल ट्रायल्स के बाद लोगों पर टेस्ट होती है, और फिर उसकी 2-3 साल स्टडीज की जाती है कि 2-3 साल बाद बॉडी को क्या हो रहा है। कोविड वैक्सीन पर ये बिल्कुल नहीं हुआ है, एनिमल टेस्टिंग स्किप हो गए है, थर्ड ट्रायल भी अब तक पूरा नहीं हुआ है, FDA अप्रूव्ड नहीं है वैक्सीन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के द्वारा लोगों को दिया जा रहा है, ये 100% प्रूवन नहीं है कि ये सेफ है और इफेक्टिव है। जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं वो भी मर रहे हैं। गवर्नमेंट बोलते हैं कि तुम्हें वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क पहनना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा क्योंकि तुम वायरस ट्रांसमिट कर सकते हो और ना ही तुम वायरस से इन्फेक्ट होने से बच सकते हो। तो ये कैसी वैक्सीन है? हाउ इज दिस अ वैक्सीन? इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या हम गिनी पिग्स है? क्या हम वो लैब रेट्स है जिनपे तुमने टेस्ट नहीं किया और हम पे डायरेक्ट आप वैक्सीन लगा रहे हो? मतलब हमने वैक्सीन लेनी भी चाहिए, फिर हम लोग मास्क भी पहनेंगे, फिर हम सैनिटाइजर भी यूज करेंगे, और फिर हम रस्ते पे जा भी नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी लॉकडाउन लगेगा जो भी इफेक्टिव नहीं था फर्स्ट प्लेस पे। नाइट कर्फ्यू जो कि इंडिया में ही होता है, जो भी स्टूपिड है, बिल्कुल भी उसका कुछ मीनिंग मुझे कोई भी एंगल से दिखता नहीं है। और तुम लोग ये सब लिए जा रहे हो कब तक? वैक्सीन लेने के बाद आपकी लाइफ का गारंटी भी नहीं है। अगर वैक्सीन लेने के बाद आपको कुछ होता है तो वो बस बोलेंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दीजिए। पर जो वैक्सीन लेने के बाद जिनको साइड इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे आप गूगल पे देखोगे ना वैक्सीन साइड इफेक्ट, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, लोग मर गए हैं, फेशियल पैरालिसिस हो गया है, इनको हार्ट अटैक आ गया है, उन लोग सिंपली ये बोल देंगे कि तुम्हें जो भी हुआ है उसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। और इनका मेन मोटिव जो है, जो लॉकडाउन लगाया, जो कोविड लाया, ये सब जो किया है, उनका मेन मोटिव वैक्सीन है। वैक्सीन जो बनाई जा रही है उसका 1 मंथ का एक्सपायरेशन डेट है, अगर वो वैक्सीन 1 मंथ के अंडर किसी को लग नहीं जाती तो वो एक्सपायर्ड हो जाएगी। और मुझे लगता है यही रीजन है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी नाइट कर्फ्यू का नाटक कर रही है, केसेस उन लोग ने डबल कर दिए हैं, जिसमें से 85% असिम्प्टोमेटिक है, जिन्हें कुछ हुआ नहीं है। और क्या मैंने टेस्ट किट का आपको पहले ही बता दिया है, उसके इन्वेंटर ने खुद बोला कि वो वायरस डिटेक्ट करने के लिए यूज करना नहीं चाहिए, और ये सब क्यों हो रहा समझिए, ये सब वैक्सीन के लिए हो रहा है। और जो लोग खुद जाके वैक्सीन ले रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि मत लीजिए, हमारे साइड से एडवाइस है क्योंकि हम लोगों ने रिसर्च की है बहुत, ये आपको कोई बताएगा नहीं।
अगर आपको आपके गवर्नमेंट पर इतना ही भरोसा है ना, तो एक बार हिस्ट्री बुक खोल के पढ़ लिया करो। ठीक है, बहुत पहले भी नहीं था कि हम रूल ओवर हो रहे थे ब्रिटिशर्स से। अभी मुझे लग रहा है कि यही के इंडिया के ही लोग हमें कुछ गुलामी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, और लोग हंसते हंसते उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लोगों को घर में रहना पसंद है, नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, जबकि वो पूरा इम्यून सिस्टम के खिलाफ जा रहा है। अगर आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करनी है तो आपको सनलाइट लेना होता है, आपको बाहर जाना होता है, ऑक्सीजन मास्क जो कि बिल्कुल इनइफेक्टिव है। मैंने लोगों को मास्क पहनते हुए देखे, यहाँ से इतने सारे गैप्स रहते हैं और मास्क के पोर्स भी रहते हैं, वो वायरस से 10 times बड़े रहते हैं, वो वायरस आसानी से उसमें घुस सकता है। और हेल्दी लोग मास्क पहनने जैसा है कि हमें वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुम लोग की वजह से वायरस स्प्रेड हो रहा है। हेल्दी लोगों क्यों मास्क पहनाया जा रहा है? कभी गवर्नमेंट ने आपको मोटिवेट नहीं किया कि आप एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए और खुद को हेल्दी रखिए। उन लोगों ने सिर्फ यही बताया है कि मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो जिससे कैंसर होता है, जो कि जिसमें अल्कोहल होता है और उसमें ऐसे कोई तो केमिकल्स पाए गए जिससे आपको कैंसर हो सकता है। और मास्क में भी ऐसा केमिकल पाया गया जिससे पेनस श्रिंक हो रहे लोगों के। ये पूरा नेचर के पूरा खिलाफ जाके हम ये कौन सा मेडिकल एडवाइस दे रहे गवर्नमेंट, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और एक साल से ज्यादा हो गया है हम की सुने जा रहे हैं, तो भी ये चीज यही पे रह रही है। और वहां आप देखोगे तो मोदी जी पूरे नारे लगा रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं, अमित शाह भी उनके जुड़े हुए हैं विदाउट मास्क। हाँ, तो मुझे तो लगता है अभी यहाँ पे भी अगर कोविड केसेस कम करने हैं तो हमें यहाँ के भी रैली शुरू कर देने चाहिए, है ना? हाँ, रैली शुरू करनी चाहिए। और इतना सारा हमने प्रूफ देने के बाद भी आई एम श्योर वहाँ पे लोग बैठे होंगे जो हमें क्रिटिसाइज करेंगे और हमें ऐसी बद्दुआएं देंगे कि आपके घर वालों को वायरस हो जाए या फिर आपको वायरस हो जाए, आप मर जाओ, तब आपको पता चलेगा, आपके घर वालों को पता चलेगा। हम यहाँ खुला चैलेंज दे रहे हैं कि हम दोनों रेडी है कोविड वार्ड में जाने के लिए, जहाँ पे कोविड पेशेंट्स होंगे वहां हम जाने के लिए रेडी है, और एक शर्त पे कि वहां हमें लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। ऑल मीडिया शुड बी देयर लुकिंग एट अस कि हमें कुछ होता है कि नहीं। और एक चीज, वहां के जो भी लोग हैं उनकी मेडिकल हिस्ट्री मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें कोविड ही होना चाहिए, राइट? अगर उनको ट्यूबरकुलोसिस है या फिर एड्स है या फिर ऐसी कोई भी हैवी बीमारियां है जो हमें हो सकती है, और वो टेस्ट हम पे किया जाएगा, हम पॉजिटिव आएगा, वैसा नहीं चले। ओके, वी वांट टू बी इन अ कोविड वार्ड विद हेल्दी पीपल हु आर कोविड पॉजिटिव, ठीक है? क्योंकि जो लोग ऑलरेडी जिनको कोमोर्बिडिटीज है, उनको कोविड हो रहा है, वो मर रहे हैं, उनके वजह से हम हेल्दी लोगों को बंद किया जा रहा है, हमारे बिजनेसेस बंद किए जा रहे हैं, और ये सब हम ज्यादा नहीं ले सकते हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें आगे बहुत लाइफ में कुछ करना है, तो आई एम रेडी फॉर ऑल ऑफ दोज हु क्रिटिसाइज अस दैट वी आर स्प्रेडिंग फेक न्यूज और वी आर मिसलीडिंग पीपल। वी आर हियर टू गो एंटर अ कोविड वार्ड विथ लाइव टेलीकास्ट एंड